Today you will read first lesson of the supplementary. The name of the lesson is The Lost Child. Now you have to read from third passage. He ran towards his parents guiding. चलो करें. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. और थोड़ी देर के लिए उनसे वह सट कर जैसे नजदीक में चलने लगा. Being however soon left behind, और वह शीघ्र ही पीछे छूट गया. क्यों छूट गया बताना? Attracted by the little insects, वह आकर्षित हो गया, मुग्ध हो गया. द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट्स एंड वर्म, जो कीड़े मकोड़े थे, एलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के पास जो कीड़े मकोड़े थे वो बाहर आ गए थे. दैट वेयर टीयरिंग टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने छुपने वाले स्थानों से बाहर आ गए थे. टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए. जो कीड़े मकोड़े थे वे धूप का आनंद लेने के लिए अपने स्थानों से बाहर आ गए थे. तो वह बच्चा उन पर क्या हुआ? आकर्षित हो गया. कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. हिज पेरेंट्स कॉल्ड, उसके माता पिता पुकारे फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, एक कुंज के, एक झुंड के छाया से, कुंज की छाया से उसके माता पिता उसको पुकारे, बच्चे आ जाओ. वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द ईज ऑफ अ वेल, जहाँ वे लोग स्वयं एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे. ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ के गया, उनकी तरफ दौड़ा. अ शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रूव, जैसे वह कुंज में प्रवेश किया, छोटे फूलों की वर्षा जो फुहार है उसके ऊपर गिरी, बच्चे के ऊपर गिरी. एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगेन टू गैदर द राइनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, वह ही बिगेन टू गैदर, वह एकत्रित करने लगा द राइनिंग पीटल्स, जो गिरती हुई पंखुड़िये थे, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. वह अपने हाथों में गिरती हुई पंखुड़ियों को क्या करने लगा? एकत्रित करने लगा. बट लो, लेकिन देखो, ही हियर्ड द कूइंग, उसने सुना, द कूइंग ऑफ डॉव्स, फाकतों की, फाकता की जो कुहट थी, कूइंग जो उसकी आवाज़ है, कुहट को सुना. एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ दौड़ा. शाउटिंग, चिल्लाते हुए दौड़ा. द डॉव, द डॉव क्या कहते हुए? फाकता, फाकता. डॉव एक फाकता पक्षी है, तो वही उसका नाम लेते हुए डॉव डॉव करके वह चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ा. द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड, जो गिरती हुई पंखुड़ियाँ थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फार गार्टन हैंड्स, उसके हाथ से जो पंखुड़ी थी, वह बरसती हुई पंखुड़ियाँ उसके हाथ से, जो फार गार्टन हैंड्स में से वह भूल गया था, और उसके विस्मृत हाथों से क्या हो रही थे? गिर रहे थे. कम चाइल्ड कम, नाउ यू विल सी फोर्थ पैसेज. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वे बच्चे को पुकारे, आओ बच्चे आओ. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, अब वह कह रहे हैं आओ बच्चे आओ. जो ही हैड, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो बरगद के पेड़ के, वह जो लड़का है वह बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल, जो गोल गोल उछल कूद करता दौड़ रहा था, वहाँ पर चला गया था. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको एकत्रित करते हुए, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और उसको साथ में लेकर उन्होंने तंग लहरदार पगडंडी को पकड़ा, जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जा रहे थे. एज दे नियर द विलेज
The child could see many other footpaths full of throngs. जैसे ही दे नियर द विलेज, जैसे ही वे गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, बच्चे ने देखा, मैनी अदर फुटपाथ्स, कि कई अन्य पगडंडियाँ, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो अन्य पगडंडियाँ थी वह भीड़ से भरी हुई थी. कन्वर्जिंग टू द वेरी फुल ऑफ विल पुल ऑफ द फेयर, जो भीड़ मेले की तरफ जा रही थी. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और तुरंत ही वह आकर्षित हो गया. बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, ऐसे संसार में जिसमें वह एक आकर्षित संसार में आकर्षित अनुभूत किया जिसमें वह प्रविष्ट हो रहा था, प्रवेश कर रहा था. अ स्वीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता हॉक्ड चिल्लाता था. गुलाब जामुन, क्या कहता था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, अपने मिठाइयों के नाम को लेकर चिल्लाता था. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और वह कहाँ था, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के कोने पर था. एंड क्राउड पास्ड राउंड हिज काउंटर, और उसकी दुकान पर से एक भीड़ गुजरती थी, वहाँ से जाती थी. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहाँ वह कई रंग बिरंगी मिठाइयाँ रखा था. डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो चांदी और सोने की पत्तियों से सजाई गई थी. द चाइल्ड स्टेयर्ड, लड़के ने स्टेयर्ड मीन्स घूर कर देखा, एकटक देखा. ओपेंड आइड माने खुली हुई आँखों से घूर कर एकटक देखा लड़के ने. एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया. फार बर्फी, और बर्फी लेने के लिए उसके मुंह में पानी आ गया. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फी, वह कह रहा है मैं उस बर्फी को चाहता हूँ. ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से मर्मर्ड बड़बड़ाया, धीरे से कहा मैं उस बर्फी को लेना चाहता हूँ. बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधा मन से, वह आधा जानता था. एज ही बेग्ड, जैसा वह आग्रह कर चुका था, बेग्ड निवेदन किया था. दैट हिज प्ली, कि उसकी इच्छा को, वुड नॉट बी हीडेड, उसके ध्यान पर, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. उसकी जो पसंद है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, वह जानता था क्योंकि उसके माता पिता कह देंगे. ही वॉज ग्रीडी, उसके माता पिता कह देंगे कि वह लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी एक उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया.